ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें तीन सिविलियन जो कि लोग कहते हैं, एक बनिहाल का लड़का है जो वहां नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने से, दूसरा एक डॉक्टर है, तीसरा एक जो घर वाला है, घर का मालिक है। और ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ऑलराउंड वर्कर है। अभी तक ऑलराउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से लोगों को इतने एनकाउंटर में ले जाके शील्ड बना के उनको लेना, क्योंकि उसकी बच्ची ने जो अल्ताफ है उसकी बच्ची ने कहा कि मेरे फादर को शील्ड बनाया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के दिल है वो और हमसे दूर होते जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों में, और इससे हालात सुधरने के बजाय खराब होने का ज्यादा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस है, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को लगे नहीं हम उन्हें कोई इंसाफ देने वाला है। इट इज अ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आई मीन इन एन एनकाउंटर यू हैव 3 सिविलियंस गेटिंग किल्ड एंड 1 मिलिटेंट इज किल्ड, वेल 3 सिविलियंस हैव बीन किल्ड एंड दे हैव बीन ब्रांडेड एज OGWs, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, विच इज टोटली रॉन्ग बिकॉज द फैमिलीज हैव बीन क्लेमिंग अदरवाइज। वन वॉज द डॉक्टर, वन वॉज द हाउस होल्डर, उसकी बेटी ने बोला है कि मेरे बाप को दी वॉज यूज एज अ शील्ड। और ये पिछले कई टाइम से ऐसा हो रहा है कि लोगों को पहले सोमू में उसको मारा गया, एक को, उसके बाद शाहिद को मारा गया शुपियन में, और आज ये 3 सिविलियन मारे गए। इसमें लगता है कि कोई जवाब दी नहीं, कोई किसी से पूछता नहीं क्यों मार रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि बॉडी नहीं दी जा रही, वो दूसरा मुसीबत है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप पहले किसी को मारते हो उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं देते हो। मैडम, उनको डेड बॉडी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ ये जो बीजेपी का ख्याल है कि हम बंदूक के बलबोते पे, आर्मी के बलबोते पे, मिलिट्री के बलबोते जम्मू कश्मीर के मसले को दबा सकते हैं या हल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर कश्मीरी ने दबना होता तो जब पाकिस्तान के लोगों ने 47 में आर्मी ने हमला किया तो कश्मीरी ने उनका मुकाबला नहीं किया होता, फिर कश्मीरी उसी वक्त दब गया होता पाकिस्तान से। पर कश्मीरी ताकत के बलबूते दबने वाला नहीं है, इसका दिल जीतने की जरूरत है।